तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप किसी भी टाइप का कंटेंट बनाते हैं, आपका मेकअप का चैनल है, आप व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर यू। और अगर आप किसी टाइप का कंटेंट नहीं भी बनाते, तो यार आप अगर वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो देख कर ही चले जाओ, कौन सा तुमने जंग लड़ने जानी है। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ म्यूजिक के बारे में, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं कि म्यूजिक ढूंढें कहाँ से। तो म्यूजिक आप ढूंढें यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो से, जहाँ पर ऑलमोस्ट सारे के सारे गाने कॉपीराइट फ्री होते हैं, जिनमें आपको कभी भी कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड होती हैं। कुछ टाइम बाद आपके पास गाने ख़त्म हो जाएंगे और आपको वही पुराने गाने दोबारा यूज़ करने पड़ेंगे, तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर आप क्या करें, तो फिर आप जाएं soundcloud.com पर। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो फ्री म्यूज़िक बनाते हैं या एक्यूरेट करते हैं। नो कॉपीराइट साउंड, चिल हॉप म्यूज़िक, मिस्टर सुसाइड शेप और भी बहुत सारे हैं जो फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक बनाते हैं। तो आप वहाँ से म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि जिनकी प्रोफाइल के अंदर जो आप चैनल के ऊपर जाएंगे, उनके बायो में अगर ये नहीं लिखा हुआ कि ये म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री है, तो एटलीस्ट आप उसके आर्टिस्ट को ईमेल करके पूछ लें कि सर ये म्यूज़िक कॉपीराइट फ्री है या नहीं है। मैं खुद पर्सनली भी यही करता हूँ। लेकिन जिनके बायो में लिखा हुआ है कि दिस म्यूज़िक इज़ कॉपीराइट फ्री, तो वो आप बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपको पर्सनल म्यूज़िक क्यूरेशन सर्विस चाहिए, तो आपका भाई है यहाँ, आपका भाई व्लॉगिंग का स्पॉटिफाई है। आप मेरी प्रोफाइल पर जाएं, मेरी प्रोफाइल पर जाके जितने भी गाने मैंने लाइक किए हैं वो सारे के सारे कॉपीराइट फ्री हैं, और वो कभी ना कभी मैं अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करूँगा। कुछ गाने ऐसे हैं जो कॉपीराइट फ्री नहीं होंगे, अगर उनकी प्रोफाइल में ना लिखा हुआ हो तो आप ईमेल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो म्यूज़िक मिल गया, पसंद कर लिया, मज़ा आ गया। अब करेंगे एक्चुअल बात कि हाउ टू यूज़ म्यूज़िक इन योर वीडियोज़। इसके 3 लेवल्स होते हैं, बेसिक लेवल और सबसे पहला लेवल। कि जहाँ भी आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है, वीडियो में बहुत खामोशी हो रही है, विजुअल्स थोड़े मोनोटनस हो रहे हैं, वहाँ म्यूज़िक यूज़ करें। और अक्सर ऐसा होता है कि विजुअल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप म्यूज़िक यूज़ करें। बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया ना, आई नो, लेट मी एक्सप्लेन। दैट्स लेवल नंबर वन, बेसिक लेवल जो ज़्यादातर लोग करते हैं। अब आ जाता है लेवल नंबर 2। तो आप कोई भी गाना उठाएं, उसे अपनी वीडियो में लगाएं, उस गाने के अंदर या तो ड्रम बीट होगी, या गिटार की रिफ होगी, या पियानो की प्रोग्रेशन होगी, तो जहाँ पर भी ड्रम बजता है आप वहाँ पर कट लगाएं। उससे क्या होगा, उससे एक व्यूअर को ये लगने लगेगा कि ये गाना स्पेसिफिकली इसी वीडियो के लिए बना है, और वो और भी ज़्यादा मेमोरेबल लगता है, और वो व्यूअर का देखने का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। लेट मी एक्सप्लेन। तो ये था लेवल 2 का बेसिक लेवल। अब आता है लेवल 2 का खतरनाक लेवल। फर्ज करें आप एक पार्क गए हैं और वहां आप एक रोलर कोस्टर राइड में बैठे हैं, तो आपकी वीडियो एक रोलर कोस्टर राइड है और आपका गाना भी एक रोलर कोस्टर राइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ आपकी वीडियो के अंदर टेंशन बिल्डअप हो रही है, वहाँ गाने में भी टेंशन बिल्डअप होनी चाहिए। और जहाँ आपके गाने में ड्रॉप आता है, वहाँ आपकी वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पार्ट आना चाहिए। अगर आप गौर करें तो हर गाने के अंदर कुछ पार्ट्स बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, इंट्रो होता है, कोरस के बाद वाला पार्ट होता है, उधर आपके गाने की प्लेसिंग, आपकी वीडियो की प्लेसिंग स्लो होनी चाहिए। लेवल 3 में आप म्यूज़िक की बीट्स को साउंड इफेक्ट के साथ सिंक करते हैं। अब साउंड इफेक्ट क्या होता है भाई, आपकी वीडियो में आपके बोलने की आवाज़ को छोड़कर कोई और आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। फॉर एग्जांपल, हवा की आवाज़, ट्रैफिक की आवाज़, बारिश की आवाज़, ग्लास टूटने की आवाज़, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़, वो सब के सब साउंड इफेक्ट होते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर मेरे लिए ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको इसका बेस्ट यूज़ देखना है, तो आप यूट्यूब पर जाके सुसाइड स्क्वाड का ट्रेलर देखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था।
अगर आप कोई एड बना रहे हैं, कोई कमर्शियल बना रहे हैं, या आपके रिलेटिव्स में किसी ने कोई क्लोदिंग लाइन लॉन्च की है, आप उसकी वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें ये सब करना तो ठीक है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली व्लॉग्स बना रहे हैं लाइक मेरी तरह, तो व्लॉग्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप म्यूज़िक पर ही रिलाई कर रहे हैं, तो वो फिर व्लॉग्स कम एक शादी की वीडियो लगने लगेगी और थोड़ी बोरिंग लगेगी। तो व्लॉग्स के अंदर आपका बोलना, आपकी बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपने व्यूअर के साथ कनेक्ट कर पाएँ और रिलेट कर पाएँ।